सो गाइस कैसे हैं लोग, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस आईक्यू ने अपना न्यू स्मार्टफोन आईक्यू 12 इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार है। सो इस वीडियो में हम इस फोन का ऑल फीचर्स के बारे में बात करेंगे एंड ये फोन आप लोग को लेना चाहिए या नहीं इस प्राइस पे, क्योंकि इसका प्राइस बहुत हाई रखा है एंड इसका प्राइस कितना रखा है सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। सो वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना एंड इस फोन से जुड़ी और डिटेल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें इस फोन की डिस्प्ले की, तो इस फोन में 6.78 इंची फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले देने को मिलेगा एंड इस फोन में 144 रिफ्रेश देने को मिलेगा और फोन बेजलेस 500 डिस्प्ले साथ आएगा। सो देखा जाए तो डिस्प्ले बहुत बढ़िया सा देखने को मिलेगा एंड बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस की, तो इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर देने को मिलेगा ऑक्टोकोर 3.3 गीगाहर्ट्ज के साथ। तो देखा जाए तो स्नैपड्रैगन का ये लेटेस्ट वर्जन देखने को मिलेगा। बात करें इस फोन की कैमरा की, तो इस फोन में रियर कैमरा ट्रिपल कैमरा सेटअप देने को मिलेगा, 50 MP प्राइमरी कैमरा, 50 MP अल्ट्रावाइड कैमरा एंड 64 MP टेलीफोटो कैमरा देने को मिलेगा LED फ्लैश के साथ। और इस फोन के रियर कैमरा से 4K वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्ड करवाओगे। और बात करें इस फोन की फ्रंट कैमरा की, तो इस फोन में 16 MP फ्रंट कैमरा देने को मिलेगा एंड इस फोन के फ्रंट कैमरा से भी फुल HD वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्ड करवाओगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो इस फोन का कैमरा भी बहुत तगड़ा होने वाला है। एंड बात करें इस फोन की बैटरी के बारे में, सो इस फोन में 5000 mAh बैटरी देने को मिलेगा विद 120W फास्ट चार्जर के साथ एंड ये फोन एक टाइप सी के साथ आएगा। सो बैटरी भी इस फोन में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। एंड बात करें इस फोन के जनरल सेटिंग की, तो इस फोन में डुअल सिम का सपोर्ट मिलेगा, दोनों सिम में आराम से 5G यूज कर पाओगे और ये फोन एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड होगा एंड इस फोन में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देने को मिलेगा। एंड बात करें इस फोन की लॉन्च डेट की, तो ये फोन इसी महीने में लॉन्च होगा एंड इसका प्राइस 60 से 70 हज़ार के मिड में होगा। सो देखा जाए तो इस प्राइस पे आईक्यू की तरफ से ये एक बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि आईक्यू का जो फोन होता है वो गेमिंग के लिए बहुत तगड़ा फोन होता है। सो देखा जाए तो ये फोन एक बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है गेमिंग के लिए एंड अगर आप एक गेमिंग यूजर हो तो ये फोन आप डेफिनेटली ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। सो यही था इस फोन का ऑल हाईलाइट डिटेल्स एंड फीचर्स। सो आप लोग को इस फोन का फीचर्स कैसा लगा कमेंट करना एंड इस फोन से जुड़ी और डिटेल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।